द केरला स्टोरी के बाद अब एक ऐसी फिल्म आएगी जो हमारे देश का बड़ा राज बताएगी। सामने आने वाली है कांग्रेस राज की वो कहानी जिसे देखकर रो पड़ेगा हर हिंदुस्तानी। उस राज जब इंसान बन गया था हैवान, राजस्थान में कई सौ लड़कियों ने इज्जत गवाई, आज तक वो कहानी देश को किसी ने नहीं बताई। वो मामले जिसके बाद किसी ने उस शहर की लड़की से शादी नहीं रचाई। 1992 की वो दर्दनाक घटना जिसने हिला दिया था पूरा देश। कई सौ लड़कियों को कैसे हैवानों ने अपने जाल में फंसाया, फिर किसने उन लड़कियों को इंसाफ दिलाया। अब मोदी राज में जब वो कहानी सामने आएगी तो कांग्रेस बेपर्दा हो जाएगी। हम आपको उस खौफनाक वारदात की पूरी कहानी बताएंगे जिसे सुनकर आप अंदर तक दहल जाएंगे। हमारे देश में एक पीढ़ी वो भी है जिसे कांग्रेस राज के काले कारनामों की खबर बहुत कम है, लेकिन कांग्रेस राज में कैसे कैसे खौफनाक काम हुए हैं वो सारे कारनामे अब फिल्मों के माध्यम से बाहर आ रहे हैं। जिन फिल्म निर्माताओं पर पहले लगाम लगाई जा रही थी वो अब खुलकर अपनी कहानी को देश के लोगों के सामने ला रहे हैं। द केरला स्टोरी भी एक ऐसी ही दर्दनाक कहानी थी, लेकिन द केरला स्टोरी के बाद एक ऐसी फिल्म देश के लोगों के सामने आने जा रही है जिसे देखकर पिक्चर हॉल में मौजूद हर इंसान रोएगा। ये वो कहानी है जिसने उस वक्त पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। कांग्रेस राज में कैसे पढ़ने वाली लड़कियों के साथ हैवानियत हुई थी, वो खौफनाक कहानी आपको इस फिल्म में दिखने वाली है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये फिल्म की कहानी किस पर आधारित है। तो आने वाले 2 मिनट हमारे साथ बने रहिए, हम आपको वो कहानी बताएंगे जिसे सुनने के बाद आप इस खबर को शेयर जरूर करेंगे। इस कहानी के 3 किरदार हैं। पहला राजस्थान का अजमेर शहर, दूसरा शहर की एक दरगाह का चिश्ती, और तीसरा किरदार है रेप और ब्लैकमेलिंग का गंदा खेल। ये बात है साल 1992 की। राजस्थान में एक ऐसी घटना सामने आती है जिससे पूरा देश हिल जाता है। देश भर में विरोध प्रदर्शन होने लगते हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार पर सवाल खड़े होने लगते हैं। दरअसल साल 1992 में राजस्थान के शहर अजमेर में चिश्ती सेक्स स्कैंडल का पर्दाफाश हुआ था। इस कांड को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि इस शहर में रहने वाले लोगों ने अपनी बेटी बहनों को पेड़ पर लाश बनकर लटकते देखा था। मुस्लिम कट्टरपंथियों ने सैकड़ों हिंदू लड़कियों का यौन शोषण कर उनका MMS बनाया था। इसमें बताया गया है कि इस रेप कांड में अजमेर शरीफ का चिश्ती और उसका परिवार भी शामिल था। कहते हैं ये रेप स्कैंडल किसी बड़े परिवार के एक लड़के और 9वीं कक्षा की एक लड़की के बीच प्रेम संबंध से शुरू हुआ था। लड़के के दोस्तों ने उन दोनों की अश्लील तस्वीरें निकाल ली थी और फिर लड़की को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। फिर तो इसका सिलसिला ही चल पड़ा। बताया जाता है कि इस स्कैंडल में कई सौ लड़कियों का रेप और गैंगरेप हुआ था। लड़कियों ने अपने बयान में बताया कि शहर के कुछ रसूखदार परिवार के लोगों ने न्यूड फोटो और वीडियो क्लिप का डर दिखाकर उनका यौन शोषण किया। इसके बाद उन्हें डराया और धमकाया जाने लगा। लड़कियों पर उनकी सहेलियों को साथ लाने का भी दबाव बनाया जाता था। ऐसा नहीं करने पर उनके अश्लील फोटो घर वालों को दिखाने की धमकियां दी जाती थीं। लड़कियां खुद को बचाने के लिए अपनी सहेलियों को भी ले जाती थीं और इस तरह आरोपियों ने एक एक करके 100 से ज्यादा लड़कियों को अपने जाल में फंसा कर उनका यौन शोषण किया था। इस दौरान कई लड़कियों के साथ गैंगरेप भी किया गया था। बताया जाता है कि इस मामले के सामने आने के बाद लोगों ने अजमेर की लड़कियों से शादी तक रचाना बंद कर दिया था। राजस्थान में उस वक्त भैरव सिंह शेखावत की सरकार ने जांच के आदेश तो दिए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। कहा जाता है कि कांग्रेस नेता जयपाल का भी इस सेक्स स्कैंडल में हाथ था। बताया जाता है कि उस वक्त अजमेर में 350 से भी ज्यादा छोटे मोटे अखबार वालों ने इस सेक्स स्कैंडल के पीड़ितों का साथ देने के बजाय पीड़ित परिवारों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। इस मामले की जांच में इस कांड के आरोपियों के खुलासे तो सब हैरान हो गए। ज्यादातर आरोपी रसूखदार परिवार के थे। अजमेर के सबसे चर्चित चिश्ती परिवार का नाम भी इस कांड में जुड़ा था। पुलिस ने नफीस चिश्ती, फारूक चिश्ती और अनवर चिश्ती को आरोपी बनाया था। फारूक उस दौर में यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ करता था, लेकिन इस मामले की सुनवाई के दौरान उसे मानसिक रूप से विक्षिप्त घोषित कर दिया गया। पुलिस ने 17 लड़कियों की गवाही के बाद 18 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया था। इनमें से 8 को अदालत ने उम्र कैद सुनाई थी। इस कांड में शामिल कई आरोपी अभी भी फरार हैं, जिन्हें आज तक नहीं पकड़ा जा सका। इस केस पर बाद में टीवी मीडिया पर शो से लेकर किताबें तक लिखी गईं, लेकिन एक चीज जो आज तक कहीं नहीं दिखी वो है न्याय। अगर उस समय पुलिस ने इस केस में आरोपितों पर शिकंजा कसा होता तो शायद उन्हें फांसी की सजा सुनाई जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि सुनवाई नहीं हुई। सेशन कोर्ट ने 1998 में 8 आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, लेकिन इसके 3 साल बाद 2001 में राजस्थान हाई कोर्ट ने इनमें से 4 को बरी कर दिया। अब जब उस कारनामे का सच दुनिया के सामने आ रहा है तो अजमेर शरीफ के लोगों को मिर्ची लग गई। अजमेर शरीफ दरगाह से जुड़े लोग धमकी दे रहे हैं कि अगर फिल्म में उनकी इमेज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो फिल्मकारों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और पूरे देश में शांतिपूर्ण विरोध किया जाएगा। खादिमों की संस्था अंजुमन सैयद जादगान के सचिव सैयद सरवर चिश्ती ने अजमेर 92 फिल्म पर बैन लगाने की मांग की है।
लेकिन कहते हैं कि सच कभी भी छुपाने से छुपता नहीं, एक दिन वो बाहर आ ही जाता है और जब आता है तो सब कुछ खत्म कर देता है। अब ऐसा ही कांग्रेस के साथ हो रहा है। आपका इस फिल्म को लेकर क्या कहना है, साथ ही अजमेर की इस घटना को लेकर आप किस तरह से देखते हैं, कॉमेंट करके जरूर बताएं।